ग्राम सभा पिपरहटा में बना हुआ शौचालय जो कि अपूर्ण है। आज हमारे धरने का 14वां दिन है और हम 14 दिन से निरंतर बैठ के सरकार की बाट देख रहे हैं और आज 14 दिन हमारा चल रहा है। 13 दिन व्यतीत होने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी आज तक हमारे पास ये पूछने नहीं आया है कि जिस मांग को हम लेके बैठे हैं, हम उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें कि स्वच्छ भारत के मिशन में जितने भी शौचालय आए हैं प्रत्येक गांव में, इस शौचालय के बारे में जितने भी घोटाले हुए हैं उसी घोटाले को लेकर हम यहां बैठे हुए हैं, परंतु हमारी सुनवाई को कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी समस्या और ग्राम सभा पिपरहटा की समस्या यह है कि यहां पर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बने हैं वो पूरे अधूरे हैं, किसी में गड्ढे नहीं हैं, किसी में प्लास्टर नहीं किया गया है, किसी में छत नहीं है, किसी में टब बैठने के सुविधा नहीं है, लोगों को शौचालय करने की सुविधा नहीं है। और इसी के तहत इस गबन को देखते हुए मैं पिपरहटा ग्राम सभा में आकर लगातार 14 दिनों से गोविंद प्रसाद तिवारी और पंकज मिश्रा के साथ मैं आशीषा त्रिपाठी भी इस आंदोलन में बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और उच्च स्तरीय जांच के लिए हम धरने पर बैठे हैं। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी शौचालय बने हैं वो अधूरे हैं, किसी में छत नहीं, किसी में गड्ढा नहीं, किसी में टॉयलेट सीट नहीं, इस तरीके से अराजकता की गई है। और विद्यालय कायाकल्प के तहत जो भी सौंदर्यीकरण का गमन हुआ है, घोटालेबाजी हुई है, इसलिए हम धरने बैठे हैं। आज हमारा धरने का 14वां दिन है, न तो कोई शासन न प्रशासन, सबसे गुहार लगा के थक चुके हैं और धरने बैठे हैं। आज तक हमारा ध्यान देने कोई नहीं आया। आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे हैं कि जो भी घोटालेबाजी हुई है स्वच्छ भारत मिशन तहत जो भी शौचालय बने हैं उनकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, बस हमारी यही मांग है।